अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं नसीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आप लोगों के टेस्ट नंबर 6 की डिस्कशन के लिए। पेपर आप लोगों के सामने मौजूद है, यहाँ पे जो है इसकी क्विक सी जो है वो एक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू ऑपोजिट आइंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते ही वही हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए करेक्ट है। बफर सोल्यूशन आर मोस्टली प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग। देखिए, इसमें तीन सब्सटेंस होते हैं, एक वीक एसिड, उसका आपके पास सॉल्ट हो गया, और उसके साथ हमारे पास मौजूद होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस भी। तो थ्री सही जवाब है। HCl जो है जब वाटर के साथ इसको आयोनाइज होता है तो आपके पास एक H3O पॉजिटिव जनरेट करता है और साथ में Cl नेगेटिव जनरेट करता है, तो HCl हमारे पास जवाब है। Cl नेगेटिव आयन इज़ द कॉन्जुगेट बेस हो। इफ Kc इज़ हाई देन इक्विलिब्रियम पोजिशन इज़ टूवर्ड्स राइट की तरफ जो है वो होगा आपके पास। Kc एंड Kp हैव सेम वैल्यू, आपके पास HI की जो डिसोसिएशन है उससे H2 और I2 जो बनते हैं, इसके लिए डेल्टा N की वैल्यू आपके पास है 0, 2-2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप लोग Kp इज इक्वल टू Kc और इंटू डेल्टा n और इंटू Rt इंटू डेल्टा n, तो ये जो 0 हो गया आपके पास वो Kp और Kc आपस में बराबर हो जाएंगे। मे बी ये स्विच भी हो सकते हैं एक दूसरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट प्योरीफाई बाई सब्लीमेशन, वही हो सकता है जो खुद सब्लीमेशन नहीं हो सकती जिसकी, वो ग्लूकोज है आपके पास, बाकी तीनों जो है वो सब्लीमेट्स हैं। एंड द कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आर एब्जॉर्ब बाय एनिमल चारकोल, हमने रिवीजन में भी जो है वो देखा था इसे। और द ड्राइंग एजेंट यूज्ड वो आपके पास P2O5 होता है जो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपके पास मौजूद हैं क्विकली हाउ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसेस यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होते जाते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद है ड्राइव द वैल्यू ऑफ Kc फॉर PCl5 इज कन्वर्टिंग टू PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए सिर्फ वैल्यू लिखनी है, एक्सप्रेशन नहीं लिखना। Kc इज इक्वल टू PCl5 की कंसनट्रेशन और नीचे आपके पास PCl3 की कंसनट्रेशन और साथ में Cl2 की कंसनट्रेशन। उसके साथ साथ डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, इसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन, एड्सॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज सॉलिड और पार्टीशन में स्टेशनरी फेज लिक्विड हुआ करता है। डिफाइंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसकी हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। मज़ीद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए, इनका सलूशन जो है वो आप लोगों की बुक में जो है वो ईज़िली मौजूद है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, तो उम्मीद है आप लोगों का जो है पेपर है वो अच्छा रहा होगा। तो अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश करें कि ये गलतियाँ जो अब हो चुकी हैं आप लोगों की, वो दोबारा आइंदा ना होने पाएँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।